ताबड़ू में कांग्रेस प्रत्याशी रोहतास खटाना ने शहर में रोड शो निकालकर मांगा समर्थन। बता दें कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रोहतास खटाना ने ताबड़ू में रोड शो करते हुए लोगों से उनके पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक सईदा खान, नगर पालिका चेयरमैन मनीता कर्क, कांग्रेसी नेता आशीष कर सहित भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुनावी अभियान के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी रोहतास खटाना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने ताबड़ू शहर में रोड शो करने के अलावा शाम तक दर्जन भर सभा आयोजित कर जता दिया कि वह चुनाव मैदान में कितने ऊर्जा, जोश व जुनून से जुड़े हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रोहतास खटाना ने कहा है कि हरियाणा की तरक्की का रास्ता अब थोड़ी दूर ही रह गया है। सरकार बनाने में ऐतिहासिक भागीदारी हमारे क्षेत्र की होगी। उन्होंने रोड शो करके लोगों से वोट की अपील की। जहां उन्होंने लोगों का पूरा समर्थन मिला, तो वहीं रोहतास खटाना ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है। यह बदलाव का चुनाव है। पिछले 10 साल में भाजपा सरकार में समस्याओं का अंबार लगा दिया। शौना ताबड़ू की जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि आगामी 5 अक्टूबर को मतदान दिवस पर आए और अपने मत का प्रयोग करें, जिससे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनता के लिए कांग्रेस पार्टी एकमात्र विकल्प है जो प्रदेश की समस्याओं को समझ सकती है। जनता के उत्साह और दृढ़ निश्चय से यह स्पष्ट कर दिया है कि क्षेत्र की जनता का समर्थन उनके साथ है। आप देख रहे हैं ताबड़ू सोहना से साहित मेवाती के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोचन अधिकतर रहिएगा। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें